नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आप देखिए, इस वक्त हम मौजूद है गांधी मैदान में लगे सरस मेले में। हर साल लगाया जाता है यहाँ पर सरस मेला। मशहूर इस वजह से है यूनिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। यूनिक कॉन्सेप्ट्स का अर्थ है, आपको विजुअल के माध्यम से पहले दिखाते हैं कि आप चूड़ियाँ तो बहुत खरीदे होंगे, आपने बहुत जगह देखी भी होगी, लेकिन यहाँ पर हैंडमेड जो कि आपके सामने बनाया जा रहा है, वो मुजफ्फरपुर से कारीगर आए हुए हैं और वो चूड़ी बना रहे हैं। पहले आपको विजुअल के माध्यम से हम बिना कुछ बोले दिखा देते हैं कि किस तरीके से चूड़ियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है, फिर हम उनसे बात भी करेंगे। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर चूड़ी बनाने वाले कारीगर जो है साफ तौर बना रहे हैं। आए कहाँ से हैं आप? सर, हम मुजफ्फरपुर झपहा CRPF कैंप से हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल देखा जाए तो चूड़ियाँ बनी बनाई मिलती हैं, लेकिन आप बना रहे हैं तो किस तरीके से आप बनाते हैं, इसको दिशा कैसे देते हैं? सर, लाश बनाते हैं, लाख की चूड़ियाँ हैं जो लाश तैयार करते हैं। पहले रॉ मटेरियल, जैसे देखिए कच्चा मटेरियल है, लाह है, जैसे इसको पहले हम परचेज करते हैं मार्केट से। कितने में? 2200-2400 रुपये किलो। 2200-2400 रुपये किलो? रुपये किलो जी। कितने बन जाते हैं? एक किलो में लगभग 40-50-60 ऐसे बनता है। जितना इसमें हम रखेंगे रंजन के बाद रखेंगे पाउडर के बाद ये सब मिक्स करके तब जाके गावा तैयार करेंगे, जो भी हमारे पास में है अंदर स्टॉल में रखा हुआ है। और उसके बाद उसको ऐसे रोल करके और इसके ऊपर से कलर डाल करके तब बेस तैयार, हाँ तब ये सब तैयार करते हैं चूड़ी से। अच्छा, इसको शेप कैसे देते हैं? सर, शेप हाथ से देते हैं, लकड़ी से, ऐसे जैसे गुल्ली है ना, तो इसको जो इतना पतला स्टिक निकालना है तो ऐसे बेल करके ना, इसमें से गला करके और बेल करके स्टिक निकालते हैं, जितना पतला भी स्टिक निकालना होता है। अच्छा, यहाँ पर लोग भी देख रहे हैं, एक बार बना कर एक शुरुआत से करके दिखा सकते हैं आप कैसे बनते हैं? सर, शुरुआत से करने के लिए अभी यहाँ से बस यहाँ से तो देखिए आप, यहाँ से तो करिए ना, यहाँ से तो हमको बनाना ही देखिए। जैसे मेटल हम डाल दिए इसको, अब इसके ऊपर से हम रिंग डालेंगे, ला डालेंगे, ला का बाला है, हाँ, गरम जब तक के नहीं होगा ना तब तक के अच्छा चिपकेगा नहीं, अच्छा नहीं चिपके सर हाथ जला हुआ है, सर जलता है तो क्या करें, काम तो काम है, हाथ भी जलता है सर, उसके लिए कोई माइक डाली। एक चूड़ी बनाने में कितना समय लगता है? एक सेट चूड़ी बनाने में पूरा यानी पूरा फुल प्रोसेस करके एक सेट बनाने में कम से कम एक घंटा लगता है। एक घंटा लगता है जी। मतलब दिन और आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, दिन भर हम यहीं हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर में भी आप चूड़ी ही बनाते हैं? हाँ, मुजफ्फरपुर में भी चूड़ी ही बनाते हैं। मिल आप आए थे कि बजट अच्छा खासा लगे और अच्छा खासा कमाई हो जाए, हो रहा है 15 तारीख से लगा हुआ है जी, कमाई हो रहा है जी, हो रहा है। तो आधा तो बन ही गया अभी इसका फुल। हो गया सर, इसको जब निकाल लिए हम डाई से, अब इसके बाद ये कपड़ा है देख सकते हैं आप, इससे हम इस पर चमक देंगे। पहले चमक नहीं था ना, अभी चमक आ गया, फिर दोबारा साहब साइड से इसको मारेंगे उस लकड़ी से ताकि उसका आकार सही हो पाए जी। 150 रुपये का है एक सेट, आपको दिखलाएंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि अच्छा, चूड़ियाँ तो आपने बहुत ली होंगी लेकिन यहाँ पर हैंडमेड पहली बार मेरे ख्याल से आप देख भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टाइम ये मेरा। चूड़ियाँ तो मैंने मार्केट से वैसे बहुत सारी परचेस किए, बट हैंडमेड मैं फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा, तो मैं भी एक्सपीरियंस लेना चाह रही हूँ कि मतलब ये कैसा होगा। ये भी बोल सकती थी कि आप बनाइए, हम कुछ खरीद करा कर लेते हैं, लेकिन आपको देखना था कि बनता कैसा। हाँ, एग्जैक्टली। क्या प्रोसेस लगा, कितना ज़्यादा मेहनत, हाथ भी उनका जला हुआ है बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, काफ़ी मेहनत लग रहा है इनको, जैसा कि देखो काफ़ी टाइम भी लग रहा है, हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम भी लग रहा है। तो डिमांड की होंगी नहीं कि आप बैठिए साथ में? बिल्कुल, क्या ही करेंगे, आप नहीं जा रही है, इनको भी नहीं जाने दे रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये कहाँ जाएंगे। अच्छा, अभी चूड़ी ही देख रहे हैं मजबूरी में? नहीं नहीं, अब इनके ले रही हैं तो बैठना तो पड़ेगा ही ना, इसीलिए हम भी वही प्रोसेस ही देख रहे हैं। काफ़ी मेहनत भी लग रहा है इनका बनाने में, काफ़ी चेहरे के शिकन से लगा कि हो सकता है मजबूरी में बैठे हो कि अरे हम कहाँ बैठेंगे। मजबूरी में नहीं, देख अच्छा लग रहा है वो देख के भी, जैसे कि हम और कोई चीज़ देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, ये
अच्छा लग रहा है, इसलिए हम बैठ के देख भी रहे हैं उस चीज़ को। कैसा लगता है सर रसमेला? यूनिक यूनिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर देखने को हर साल मिलते हैं। रहने वाले आप कहाँ के? रहने वाले तो हम यूपी के हैं जी। अच्छा, तो कैसा लगा बिहार और सरस में? बहुत अच्छा लगा, जी। तभी तो यहाँ पे हम सुने थे गांधी मैदान में सरस मेला काफ़ी अच्छा लगता है, तो घूमने के पर्पज से मैं यहाँ चले आया। व्यवस्था की और फैसिलिटीज़ की बात करें तो कैसा लगा आप? व्यवस्था और फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। हम देख रहे हैं कि हमेशा अनाउंस भी हो रहा है सफाई को लेकर, हर टाइम अगर कहीं भी कोई गंदगी है तुरंत अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ गंदी है, या बिजली में कोई दिक्कत है तो उसका भी तुरंत तुरंत बताया जा रहा है। वहाँ पे आदमी पहुँच भी रहे हैं काम करने के लिए, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। मतलब ओवरऑल वर्थ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें। ओके, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं सरस मेला में, जो कि गांधी मैदान में लगता है हर बार बिहार की राजधानी पटना में, और यहाँ पर हम यूनिक यूनिक कॉन्सेप्ट्स ही दिखाते हैं कि किस किस कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर लगाए जाते हैं। थोड़ा सा समय आपका और लेंगे और आपको दिखाते हैं विजुअल के माध्यम से कि अभी भी मेला पूरा सजा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी बिक रही हैं, चाहे हम बात करें चीनी मिट्टी से बनाई हुई चीज़ों की, चाहे बात करें हैंडमेड, तो यहाँ पर हर एक चीज़ें 90-95% यहाँ पर 95% हैंडमेड यानी हाथों से बनाया हुआ सामान ही बिक रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, गुजरात से, यूपी से, मुजफ्फरपुर से, उसके बाद झारखंड से, हर जगह से लोग, 17 से 18 राज्यों से लोग यहाँ पर आकर जो वो करते हैं उसी चीज़ों को दिशा दे रहे हैं, और अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। 15 दिसंबर से मेला लगा हुआ था और अभी तक अच्छी खासी कमाई उनकी हो चुकी है। देखकर अच्छा लगता है कि बाहर के राज्यों से लोग बिहार में आकर अपने रोज़गार के लिए और कमाते हैं और मेहनत किस तरीके कर रहे हैं, हाथ भी जल चुका है। चूड़ी बनाने वाले के पास अभी हम गए थे जो मुजफ्फरपुर से आए हुए थे, और उन्होंने साफ तौर पर बताया, प्रोसेस हमने शुरू से अंत तक दिखाया, वो साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एक न्यूज 24। मैं नंदन अपने सभी मदन के साथ, धन्यवाद।